नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि मात्र 8 साल में 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट दिया है, मतलब इन्वेस्टर को करोड़पति बना दिया है मात्र 20,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे। तो ऐसे ही स्टॉक के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता था कि हम 15 साल होल्ड क्यों करें, उतना लंबा वक्त होल्ड करने में दिक्कत है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे स्टॉक भी है जो कि 10 साल में 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टर को करोड़पति बना दिया है। तो वैसे ही स्टॉक लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं, वो है अवनति फीड्स। तो अवनति फीड्स के जो मल्टीबैगर रिटर्न है उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइम से किस टाइम के बीच इसमें कोई इन्वेस्ट किया रहता तो उसे एक मतलब 10,000 से 20,000 रुपया के इन्वेस्टमेंट पे वो करोड़पति बन सकता था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमें एक नई मोटिवेशन देता है आपके लिए अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इन अवनति फीड्स शेयर, यहाँ पर हमने सारा राइट कर लिया है किस तरह से अवनति फीड्स में ग्रोथ हुआ है। फिर हम आपको चार्ट पे भी दिखाएंगे, चार्ट पर अवनति फीड्स का जो रिटर्न है वास्तव में एक्चुअल में इतना बड़ा है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉर्पोरेट एक्शन है बोनस का और स्टॉक स्प्लिट का, वो कॉर्पोरेट एक्शन का ये ईयर है और यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन है, यहाँ नंबर ऑफ शेयर है और ये हमारा फेस वैल्यू है। तो जो स्टॉक स्प्लिट होता है और बोनस होता है वो आपके नंबर ऑफ शेयर को काफ़ी इंक्रीज कर देता है। तो 2009 स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं और यहाँ पर जो आप 20,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते, कितना 20,000 रुपया अगर आप यहां पर इन्वेस्ट किए होते तो देख सकते हैं 2009 में अगर आप 20,000 रुपया इन्वेस्ट करते तो 20,000 में कुल आपको 1120 शेयर इसका मिलता, क्योंकि जो पर शेयर इसका प्राइस था वो 17.85 रुपीज़ था, जो कि हमने कैलकुलेट किया है, मतलब जो भी कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है और जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला है उसको लगा करके मैंने खुद से कैलकुलेट किया है। तो ये थोड़ा सा 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ आगे पीछे हो सकता है, चार्ट पर देखेंगे तो ये प्राइस आपको सिर्फ 1 रुपीज़ 20 पैसा 1 रुपीज़ 50 पैसा दिखेगा, लेकिन वो तो कॉर्पोरेट एक्शन के बाद वो प्राइस जो है स्प्लिट हो गया, मतलब वो प्राइस डाउन हो गया कॉर्पोरेट एक्शन के द्वारा, वो एक्चुअल प्राइस स्टॉक का नहीं होता है। जो आप देखते हैं चार्ट पे वो एक्चुअल प्राइस नहीं होता है। तो एक्चुअल प्राइस मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको बताया है, जो अप्रोक्स प्राइस है, जो एग्जैक्ट में थोड़ा सा कुछ पैसा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरह से कुल आप 1120 शेयर खरीदते, 1120 शेयर। अब ये स्टॉक स्प्लिट हो जाता है 2015 में फेस वैल्यू 2 में, पहले से फेस वैल्यू 10 था, तो एक शेयर पर कितना मिलेगा 5 शेयर, क्योंकि 10 से 2 हो गया तो स्टॉक का फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ 5 के रेशियो में, तो आपका नंबर ऑफ शेयर 5 टाइम्स हो जाएगा। तो आप 1120 में 5 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 5600। अब यहाँ पर फिर से स्टॉक स्प्लिट होता है, देख सकते हैं फेस वैल्यू 1 में 2018 में, तो फेस वैल्यू 1 में स्प्लिट हुआ तो फिर से ये हमारा 2 से 1 हो गया, तो फेस वैल्यू हाफ हो गया तो जो नंबर ऑफ शेयर है 2 गुना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर हो गया 11200। तो 11200 नंबर ऑफ शेयर हो गया। फिर यहाँ से नंबर ऑफ शेयर जो हमारा है वो बोनस जो दिया 1:2, मतलब सेम डे एक ही दिन स्टॉक स्प्लिट भी हुआ और बोनस भी दिया गया, पहले स्टॉक स्प्लिट उसमें काउंट किया गया, फिर 2 शेयर पर 1 शेयर फ्री दिया गया। स्टॉक स्प्लिट होने से यहाँ नंबर ऑफ शेयर 2 गुना हो गया और फिर इस पे 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस फ्री, मतलब जो 1120 है इसका आधा शेयर फ्री, मतलब इसका आधा तो 5600 है, तो 5600 शेयर आपको फ्री मिला, तो 5600 शेयर इसमें जोड़ दीजिए 11200 में, तो हो जाएगा 16800 शेयर। तो कुल नंबर ऑफ शेयर हो गया आपके पास 16800, जिसका फेस वैल्यू 1 हो गया। तो अब चलते हैं हम नीचे, टोटल नंबर ऑफ जो शेयर बिकम्स कितना 16800 इतना हो गया। अब टुडे टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आज जो हमारा टोटल रिटर्न जो होगा इन्वेस्टमेंट 20,000 पे, जो कि हमारा पर शेयर 17.85 रुपीज़ था 2009 में, वो हो जाएगा 16800 × 980। ये तब का प्राइस है जब इसका हाईएस्ट प्राइस था 2018 में जब ये हाईएस्ट प्राइस था उस समय का ये प्राइस है। तो इस समय आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 1,64,64,000। तो समझ सकते 1,64,00,000 मात्र आपका 8 साल में, मतलब 2009 से 2018 9 साल हो गया।
तो मतलब 2018 की शुरुआत की ही बात करते हैं, तो आपको 8 साल ही एक तरह से लगेगा या 9 साल ही मान लीजिए, तो 9 साल में आपको 1 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिला, 1 करोड़ का रिटर्न मिला मात्र 20,000 रुपया के इन्वेस्टमेंट पे। तो ये देख सकते हैं, ये होता हमारा स्टॉक मार्केट का मैजिक फार्मूला। तो ऐसे ही स्टॉक्स आपको जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिसके बिजनेस में आगे ग्रोथ हो, तो आपको चूज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, अगर करेंट वैल्यू इसका देखें तो करेंट वैल्यू देख सकते हैं 77,78,000, तो करेंट वैल्यू काफ़ी कम हो चुका है। तो इससे आपको ये सीखने मिलता है यहाँ पर कि जैसे आपको मैजिकल रिटर्न मिल रहा है किसी भी स्टॉक में, तो आप वहाँ पर ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करता है तो उसका इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है यहाँ आधे से भी कम हो गया। तो जब आपको यहाँ पर रिटर्न इतना बड़ा मिल रहा है, तो इसमें आप 1 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर सकते थे, 64 लाख रहने दे सकते थे। तो इस तरह से जो पार्शियल प्रॉफिट है या फुल प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हैं। तो कभी भी यहाँ पर प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए। तो जैसे कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फुल प्रॉफिट। करेंट वैल्यू आपने देख लिया कि इसका 77 लाख सिर्फ बचा है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो रिटर्न होता है हमारा, वो होता है डिविडेंड का रिटर्न। अगर 20,000 रुपया आप सिर्फ इन्वेस्ट किए रहते 10 साल पहले, तो आज अवनति फिड्स में आपको 84,000 रुपया पर साल डिविडेंड के रूप में प्राप्त होता, 84,000 रुपया पर ईयर डिविडेंड के रूप में, मात्र 20,000 रुपया। समझ सकते हैं, 20,000 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल बाद वो जो अमाउंट है आपको 10 साल बाद 84,000 रुपया का डिविडेंड भी देता है, साथ साथ जो आपका ग्रोथ है वो भी रिटर्न देता है। तो ये होता है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में एक अच्छे स्टॉक जिसमें आगे ग्रोथ की संभावना हो, उसमें इन्वेस्ट करें और उसे एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो जब आप लंबे समय के लिए उसे होल्ड करते हैं तो वो आपको डिविडेंड तो देता ही है, मतलब डिविडेंड का जो रिटर्न है वो तो देता ही, साथ साथ आपको उस इन्वेस्टमेंट पे जो ग्रोथ का रिटर्न मिलता है वो अलग से। तो अवनति फिड्स जो मात्र 10 साल के पीरियड में एक मिलीनियर एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, साथ साथ देखते हैं डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा दे रहा है आपको, 84,000 रुपया पर ईयर का डिविडेंड मात्र 20,000 रुपया के इन्वेस्टमेंट पे। अब आगे बात आता है यहाँ पर जो दूसरा हमारा कंसेप्ट आता है कि डोंट री इन्वेस्ट डिविडेंड इन सेम स्टॉक। जो आपको डिविडेंड मिलता है उसे बोला जाएगा कि आप उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते जाओ, लेकिन हम कहेंगे आपको री इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए उस स्टॉक में डिविडेंड को, आपको नए मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने चाहिए। जो नया मल्टी बैगर स्टॉक्स होगा मार्केट में, हर समय अलग अलग स्टॉक्स आते रहते हैं जो कि एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, तो आपको नई स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो इसलिए डिविडेंड को री इन्वेस्ट ना करें, नई मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढें जो कि आपको एक मैजिकल रिटर्न दे सकता है। तो ये था अवनति फिड्स का जो रिटर्न था मैजिकल। अब हम चलते हैं इसके प्राइस चार्ट पर, वहाँ पे भी आप इसके रिटर्न को देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं अवनति फिड्स का चार्ट है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये कितना बड़ा रिटर्न दिया है, ये मल्टी बैगर रिटर्न किस प्रकार दिया है और कैसे आप चार्ट पर, आप यहाँ पर चार्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देख सकते हैं, हम ले लेते हैं कि मई में आपने 2009 में इन्वेस्ट किया और यहाँ पर चलते हैं, आप देखते हैं 2017 तक में ही आप देख सकते हैं 97,000 का रिटर्न देख सकते हैं। यहाँ पर चार्ट पे भी देखिए 97,000 का रिटर्न, मतलब अगर आप 10,000 इन्वेस्ट किए होते, सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो कितना होता आपका 97 लाख। मात्र 10,000 इन्वेस्ट किए होते अगर इस पीरियड के बीच 2009 के मई में और 2017 के नवंबर में उसे आप सेल कर दिए होते, तो आपके 10,000 रुपया आपको करोड़पति, मतलब एक 97 लाख हुआ तो करोड़ के निकट ही हुआ, क्योंकि उसने दिनों में तो आपको डिविडेंड भी 2-3 लाख रुपये मिल गए होंगे, उससे ज़्यादा मिल गए होंगे। तो एक तरह से 1 करोड़ का रिटर्न मात्र 2009 से 2017
अगर हमने जो कैलकुलेट किया उससे ज़्यादा बेटर आपको चार्ट पे दिख रहा है, देख सकते हैं प्राइस चार्ट पे 97,000% का रिटर्न मात्र 2009 के मई महीने से, क्योंकि अभी जिस तरह से मार्केट क्रेश हुआ है उसी तरह से 2009 में भी मार्केट क्रेश हुआ था। तो देख सकते हैं 97,000% का रिटर्न 15 मई 2009 से नवंबर 2017 तक। अब 20,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते तो कितना होता, 97 × 2 1,94,00,000। तो हमने जो आपको बताया रिटर्न 1,64,00,000 वो तो बहुत ही कम है, यहाँ तो आपको रिटर्न जो है 1,94,00,000 मिल रहा है मात्र 2017 तक। हमने 2018 तक लिया तो वहाँ तक में प्राइस में करेक्शन आया है 2018 तक में, इसलिए आपको रिटर्न कम मिला। अभी देखेंगे अभी जो मार्केट का कंडीशन है, अभी तो देख सकते हैं मात्र 31,000 का रिटर्न ये दे रहा है, मतलब 3 times रिटर्न कम हो चुका है क्योंकि प्राइस में काफ़ी ये करेक्शन हुआ है। तो इस तरह से जब भी आपको यहाँ से एक चीज़ सीखने मिलता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जब भी स्टॉक ओवर मतलब वैल्यूड हो जाए उस समय आपको उससे एग्जिट कर जाना चाहिए। तो सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट दोनों आवश्यक है। अगर किसी में लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट किए तो अगर वो ओवर वैल्यूड हो चुका है स्टॉक्स, आप उसमें पार्शियल प्रॉफिट कम से कम जरूर बुक करें। पार्शियल मतलब कुछ हिस्सा आप प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लें, क्योंकि हो सकता है स्टॉक्स वहां से फिर उस प्राइस को अचीव ना कर पाए। ऐसे ही स्टॉक फिर से देख सकते हैं यहाँ पर 750 के ऊपर गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 714 है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये स्टॉक्स है तो हमने उस स्टॉक को देखा है कि 750 से भी ऊपर गया था। चार्ट पे आपको नहीं दिख रहा है लेकिन हमारे पास खुद ये स्टॉक्स है, हमने 2018 में इसे बाय किया था और अभी तक ये स्टॉक्स मेरे पास है। और ये देख सकते हैं 750 फिर से ये गया था और फिर से ये स्टॉक जाएगा जैसे इसका बिजनेस फिर से ग्रो होगा। अभी लॉकडाउन के कारण बिजनेस थोड़ा सा ढीला पड़ गया है, तो जैसे फिर से बिजनेस रिकवर होता है ये स्टॉक फिर से जाएगा अपने उसी प्राइस पर। तो अगर आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना तो इसमें कर सकते हैं, जैसे गिरावट में मिलता है देख सकते हैं 300 के आसपास तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करें। देख सकते हैं हम टिकट ऐप के वेबसाइट पर आए हुए हैं, यहाँ पर आप इसका प्राइस अभी देख सकते हैं, अभी करेंट प्राइस है 463.60 रुपीज़ और लास्ट ट्रेडिंग डे ये 1.35% अप था। उसके बाद इसका ऑल टाइम हाई देख सकते हैं 980 रुपीज़ जो हमने कैलकुलेशन में लिया था, और यहाँ पर लो भी देखिएगा तो मात्र ये देख सकते हैं 2015 तक में लो देखिएगा 94 रुपीज़। तो ये स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल है, काफ़ी ऊपर नीचे इसका मूवमेंट होता रहता है। उसके बाद हम फाइनेंशियल पे चलते हैं तो आप इसके फाइनेंशियल को देख सकते हैं, यहाँ से पीर कंपैरिजन देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट इसका दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं अवनती फिट्स फाइनेंशियल में गए, यहाँ पर जो हमारा ओल्ड फॉर्मेट है न्यू फॉर्मेट दोनों में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में डेप्ट दिखाया हुआ रहता है। रिजर्व कंपनी के पास 1,000 करोड़ है, लोन देख लीजिए बिल्कुल जीरो है, कोई भी लोन कंपनी के पास बिल्कुल भी लोन नहीं है। आगे सकते हैं टोटल डेप्थ देख लिए, लाइबिलिटीज़ यही जो हमारा रिजर्व है कंपनी के पास वही लाइबिलिटीज़ के रूप में है कंपनी के पास, क्योंकि वो तो शेयर होल्डर्स का है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट भी 700 करोड़ का है, डेप्थ कंपनी के पास बिल्कुल ज़ीरो है, लाइबिलिटीज़ भी कुछ नहीं है कंपनी। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस 140 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस है, तो ये भी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर करेंट लाइबिलिटीज़ मात्र देख सकते हैं 212 करोड़, लोन और एडवांसेस 414 करोड़, नेट करेंट एसेट देख सकते हैं 199 करोड़। कंपनी का बुक वैल्यू देख लेते हैं, कंपनी का बुक वैल्यू 77 देख सकते हैं, बुक वैल्यू 77 करोड़ है। बुक वैल्यू काफ़ी ऊपर नीचे होता है क्योंकि कंपनी का जो एसेट है लाइबिलिटीज वो भी काफ़ी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये था हमारा अभी मार्च 20 का, यहाँ अपडेट नहीं हुआ, जैसे अपडेट होते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। कंपनी का सेल्स इनकम टर्नओवर सब चीज़ देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का जो सेल्स है देख सकते हैं 922, ये मार्च दिसंबर का ही है, अभी मार्च का अपडेट नहीं हुआ है। नेट प्रॉफिट देख लीजिए 59 करोड़ है मार्च दिसंबर क्वार्टर का,
काफ़ी प्रॉफिट में भी उतार चढ़ाव होता रहता है, क्योंकि ये कंपनी जो वैसे बिजनेस ही करती है जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि किस तरह से आपको मल्टी बैगर स्टॉक चुनना है और वो स्टॉक्स आपको कैसे एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है जब आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, और जब वो मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे रहा है और स्टॉक लग रहा है आपको ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो उस समय आप प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। तो इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करेंगे, और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को भी दबा लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो।